अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल इरम्स बरकत किचन। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो उन्हें लाइक करें, खूब शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। फ्रेंड्स, आज हम आपको क्विक एंड ईजी ऑमलेट टोस्ट की रेसिपी बताने जा रहे हैं। चलिए तो अब हम बनाना शुरू करते हैं। ऑमलेट विथ टोस्ट बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए, ये 4 ब्रेड लिए हैं हमने, 4 एग्स लिए हैं हमने, ये 1 अनियन लिए हैं हमने मीडियम साइज की, इसे बारीक चॉप्ड किया हुआ है, 2 बड़ी हमने ग्रीन चिल्ली लिए हैं, ये हरी मिर्च, इन्हें भी हमने बारीक कट किया हुआ है, 1 टीस्पून कोरिएंडर लिया है हमने, 1/2 टीस्पून सॉल्ट और 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, काली मिर्च पाउडर लिया है। चले तो अब हम बनाना शुरू करते हैं। हमने ये एक खाली बाउल लिया है, इसके अंदर हमें ये अंडे निकाल लेने हैं तोड़ के। चारों अंडे हम इसमें ही निकाल लेंगे। इसके बाद इन्हें हमें अच्छे से मैश करना है। अब हमें इसके अंदर मसाले ऐड करने हैं। सबसे पहले हम इसके अंदर ये ग्रीन चिली डालेंगे, इसके बाद अनियन डालेंगे, फिर ये ग्रीन कोरिएंडर डाल देंगे। ये सारे ही मसाले ऑमलेट के अंदर जाने वाले हैं, सॉल्ट और ब्लैक पेपर पाउडर। फिर हमें इन्हें मसालों को भी अच्छे से अंडों के अंदर मिक्स कर लेना है। देखिए, मसाले अच्छे से अंडों के अंदर मिक्स कर देने, हमें खूब अच्छे से और चला देना है इन्हें, 2-3 मिनट तक हमें इन्हें मिक्स करते रहना है। ऑमलेट टोस्ट बनाने के लिए हमने यहाँ तवा यूज किया है क्योंकि जरा ज्यादा स्पेस चाहिए होता है इन्हें। अब हम फ्लेम को ऑन कर देते हैं, हाई फ्लेम रखते हैं ताकि तवा जल्दी से गर्म हो जाए। फिर हम इसके अंदर बटर डालेंगे। तवा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें बटर डाल देते हैं। बहुत ज्यादा गर्म नहीं होने देना है क्योंकि उससे फिर बटर जल जाएगा। फ्लेम को थोड़ा लो कर दें। फ्रेंड्स, देखें बटर अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब हम इसके अंदर अंडे का डालेंगे, ये बैटर पूरा नहीं डालना है हमें, आधा बैटर डालकर हम इसे ऐसे ही रहने देंगे और थोड़ा इसे फैलाएंगे स्पून से, और इसके अंदर हम ये टोस्ट सेट कर देंगे। दोनों टोस्ट हमें इसके अंदर ही लगा देने हैं। और फिर इन्हें हमें 5 मिनट के लिए इस पर छोड़ देना है ताकि ये अच्छे से सिक जाएं। फ्लेम को हमने मीडियम हाई कर दिया है और 2-3 मिनट होने ही वाले हैं बस। ये देखिए, होना शुरू हो गया है। टोस्ट को पलटने से पहले हमें इसके ऊपर थोड़ा बटर लगा देना है। हल्का हल्का सा बटर लगा दें इसमें, और अब इसे पलट दें। ये देखें, अब हमने इसे पलट दिया, ये कितना परफेक्ट हुआ है एक साइड से हमारा ऑमलेट टोस्ट। अब दूसरी साइड से जब ये सिक जाएगा तो ये टोस्ट बिल्कुल रेडी है। फिर हम इसकी प्लेटिंग करेंगे।
देखिए फ्रेंड्स, दोनों ही साइड से हमारा ऑमलेट टेस्ट बहुत बढ़िया सीख चुका है। अब इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। इसी तरह से हमें और भी ऑमलेट बना लेने हैं। देखिए फ्रेंड्स, ऑमलेट टोस्ट जो है वो बिल्कुल रेडी है। इनको हमने ट्राइंगल शेप में काट दिया है। ये मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, इवनिंग ब्रेकफास्ट दोनों में ही बहुत अच्छे लगते हैं। आप भी ट्राई करें, आपको भी अच्छे लगेंगे। अल्लाह हाफिज़।